दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बन गए हैं। ऐसे में भारत एक के बाद एक काफी बड़े कदम उठाते जा रहा है ताकि इन ड्रोन्स की तरफ से आने वाले खतरों का सामना किया जा सके। इसी कड़ी में अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा कारनामा करने वाली है जिससे चीन और पाकिस्तान के सभी ड्रोन बेकार हो जाएंगे और इनके द्वारा भारत के खिलाफ की जाने वाली साजिशें किसी भी काम में नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी गोदरेज और फ्रांस की एक प्राइवेट कंपनी कैरबेर एक साथ मिलकर एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि एक बंदूक के आकार का होगा और दुश्मन के ड्रोन को यह सिस्टम अकेले ही डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकेगा। जिस सिस्टम को ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर विकसित करेंगे उसका नाम कीमेरा 100 होने वाला है। ये सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन गन होने वाली है जिसे कि एक जवान बड़ी ही आसानी से लेकर जा सकेगा और दुश्मन के ड्रोन से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करके तबाह करने के लिए यह सिस्टम एक एंटीना का इस्तेमाल करेगा जिसे कि एक जवान अपने कंधे पर बैकपैक के जरिए लेकर चल सकता है। ये एंटीना दुश्मन ड्रोन के रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम कर देगा जिसकी वजह से दुश्मन का ड्रोन अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर जाएगा या फिर वापस अपने बेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। यह सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है क्योंकि आखिरकार यह एक ड्रोन को बिना किसी गोली या मिसाइल के इस्तेमाल किए ही तबाह करने की क्षमता रखेगा। यह किसी ड्रोन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करके उसके सिग्नल और रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम कर सकता है जिसका नतीजा ये होगा कि बिना किसी विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किए और ज्यादा पैसे बहाए हम दुश्मन के सस्ते ड्रोन का मुकाबला कर सकेंगे। दोस्तों, कीमेरा 100 की मारक क्षमता लगभग 4 से 5 किलोमीटर की होने वाली है, यानी कि 5 किलोमीटर के इलाके में यह दुश्मन के किसी भी ड्रोन को तबाह करने की क्षमता रखता है। शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल केवल वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तकनीक ज्यादा एडवांस होगी भारत इसका विस्तार अपनी सेना के सैनिक स्तर तक भी कर सकता है। भारत और फ्रांस की प्राइवेट कंपनियों के द्वारा मिलकर बनाया गया यह एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान और चीन से सटी सीमा पर बीएसएफ और भारतीय सेना के लिए काफी असरदार हथियार साबित होगा क्योंकि इन इलाकों में अक्सर सस्ते ड्रोन के द्वारा भारत की सीमा में घुसपैठ और स्मगलिंग की कोशिशें की जाती है जिसे नाकाम करने के लिए कीमेरा 100 एक बेहद ही अच्छा हथियार साबित होगा। साथ ही यह एक फ्लेक्सिबल मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन गन सिस्टम होने वाला है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी बिल्डिंग या व्हीकल से भी कर सकते हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि कीमेरा 100 की सुरक्षा प्रदान करने का दायरा काफी बड़ा है। भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर काफी उच्च स्तर की तकनीकों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों की प्राइवेट कंपनियां भी एक साथ मिलकर अपनी साझेदारी बढ़ा रही है जिससे न कि केवल भारत और फ्रांस एक दूसरे की घरेलू जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी ऐसी तकनीकों की डिमांड काफी ज्यादा होती है और इसीलिए यह कदम दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारतीय सेना अपनी स्वार्म ड्रोन क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल भारतीय सेना ने 700 करोड़ रुपए की कीमत पर 12 आर्म ड्रोन स्वार्म खरीदने का फैसला किया है जिन्हें की भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित और मैन्युफैक्चर किया गया हो। यानी कि भारतीय सेना अपना यह 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर एक स्वदेशी कंपनी को देने वाली है जो कि मेक इन इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, जिन 12 आर्म स्वार्म ड्रोन को खरीदा जाएगा उनमें से हर ड्रोन स्वार्म में लगभग 50 से 75 यूएवी मौजूद होंगे जिनके अंदर एक्सप्लोसिव लगे होंगे और साथ ही इन सभी यूएवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी क्षमता मौजूद होगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने यह बात भी साफ कर दी है कि जिन स्वार्म ड्रोन को खरीदा जाएगा उनमें कम से कम 50% उपकरण स्वदेशी होने चाहिए। वहीं पर ये ड्रोन -20 डिग्री के तापमान में भी इस्तेमाल करने के लायक होने चाहिए। साथ ही इनकी ऑपरेशनल रेंज कम से कम 30 किलोमीटर की होनी चाहिए और इनका एंडुरेंस 2 घंटे का होना चाहिए। इनमें से ज्यादातर स्वार्म ड्रोन को चीन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत चीन से सटी सीमा पर ऐसे स्वार्म ड्रोन तैनात करने वाला है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव तो लगे ही होंगे साथ ही इनकी संख्या भी काफी ज्यादा होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी विश्व स्तरीय तकनीक से लैस होंगे। दोस्तों, डिफेंस क्षेत्र और मेक इन इंडिया से जुड़ी हुई ऐसी खबरें हम सबके लिए काफी गर्व की बात है जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत आज के समय में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में कितना आगे आ चुका है कि हम इतनी एडवांस और विश्व स्तरीय तकनीकों को न कि केवल स्वदेशी रूप से विकसित कर रहे हैं बल्कि अपने दुश्मनों के खिलाफ इनका इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।